ये एक नया हमने लॉन्च किया है जो सिर्फ सोलर एसी पे चलेगा, सोलर सोलर पे चलेगा जी, सिर्फ सोलर पे कन्वर्ट होगा। अभी जैसे दे बादल है बाहर तो ये के इलेक्ट्रिक भी दिखा रहा है, ठीक है, सोलर भी दिखा रहा है, ठीक है, तो जितनी इसको कंजम्पशन वहाँ से मिल रही है वहाँ से ले रहा है, बाकी के इलेक्ट्रिक से ले रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगा और प्लेट पे भी डायरेक्ट चलेगा और बैटरी भी बैकअप देगा, चार्ज करेगा। नहीं, इसको चार्ज करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, ये चार्ज होता रहेगा, चलते होता जाएगा, चार्ज भी होता रहेगा, चलता ही रहेगा। समझ ले पंखा चले तो 3 घंटे बैकअप की वो बैटरी अपने अंदर सेव करने के बाद, यानी कि इसके अंदर ही यूपीएस फिट है। ये बड़ी नजर आ रही है किसी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। मैंने तो लोगों को बोला भाई जैसा मक्का मदीना में नहीं देखते उस तरह की हमें लग रही है। हाँ, मतलब किसी है पैक भी किया है, बस हल्का सा दरवाजा है इसमें छोटा, ये छोटी है 4 आदमियों के लिए, और ये मतलब किसी पार्क पार्क में, किसी बड़ी जगह पे, मस्जिद में, वहाँ के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है। वारंटी 10 साल कंप्रेसर की है और सोलर पैनल की भी 10 साल है। अच्छा, एवोपरेटर की 3 साल है। हाँ हाँ, 4 साल पीसीबी किट की है और इंस्टॉलेशन फ्री है। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, और एक्सपो सेंटर में आने की वजह यह है कि यहाँ लगी है सोलर प्लेट्स की, सोलर की जो है एग्जीबिशन, सोलर प्लेट्स के हैं, सोलर जो है यहाँ पर काफ़ी हम चीज़ें जो है देख चुके हैं, ताकि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकें, वीडियो की सारी मालूमात जो है आपको दे सकें। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजीवा। चलिए जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मुझे लग रहा है कि आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे साथ मौजूद है बिलाल भाई। अस्सलाम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है, खुश हैं। सबसे पहले बताइए हमारी आउटलेट यहाँ कराची में कहाँ पर है? सर, आउटलेट हमारी मेन रीगल चौक के ऊपर है। मेन रीगल चौक पे हमारी आउटलेट है, वहीं पे हमारा सर्विस सेंटर है, और वहीं पे हमारी जो है ना ऑफिस है मेन। मतलब सारी सर्विस आप वहीं से देते हैं? जी सर। और हमारे पास इस वक्त कौन कौन से पड़े हुए हैं? सर, हमारे पास इसके अंदर लो वोल्टेज के अंदर 2.8 है, 2.8 और 1.6 है, ये लो वोल्टेज के अंदर है। ओके, इसके बाद हमारे पास सर 3.2 किलोवाट है। ओके, उसके बाद हमारे पास 4.5 है। ओके, ये जेड सीरीज में है, जेड 5 सीरीज में है। वो डायमंड सीरीज में है, वो भी 4.5 है। 4.5 इसमें आ जाएंगे तो ये 6.5 है डायमंड सीरीज के अंदर। ओके, और ये जेड 5 सीरीज के अंदर भी 6.5 है। 6.5 और वो डायमंड सीरीज के अंदर 10.5 है। 10.5 जी सर। अच्छा, ये घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है कम से कम कितने उसे? सर, नॉर्मल यूज के लिए कम से कम 3 किलोवाट होना चाहिए। उसमें क्या क्या चलेगा? उसके अंदर सर आपके नॉर्मल 4 पंखे जो एक घर का आम जरूरत होती है, 4 पंखे और कुछ बल्ब एलईडी वगैरह, ये चल जाते हैं। चल जाती है बिल्कुल। बैकअप कितने देर आएगा उसका? सर, ये बैटरी का हिसाब होता है, बैकअप का हम कस्टमर से पूछते हैं उन्हें कितने घंटे का बैकअप चाहिए, उसके हिसाब से हम बैटरी सजेस्ट करते हैं। बैटरी कितनी बड़ी लगाएंगे फिर बैकअप? सर, बैटरी टॉल ट्यूबलर बैटरी होती है, ये 3 किलोवाट के अंदर जो है हमारे बैटरी लगती है, ये 24 वोल्ट के ऊपर है, इसमें 2 बैटरियां लगती है सर। 2 बैटरियां लगती है सर। ओके, अच्छा बताइए आपकी कोई गारंटी वगैरह भी थी? सर, इसमें 5 ईयर वारंटी होती है, जिसमें 5 ईयर वारंटी किस चीज की है? सर, 1 ईयर मैं आपको बताऊँ, 1 ईयर इसमें पार्ट्स वारंटी होती है, ठीक है, और उसके बाद सर 4 ईयर इसके अंदर जो है ना सर्विस वारंटी होती है। सर्विस वारंटी 1 ईयर के अंदर आपकी जो भी खराबी आती है उसको हम पार्ट को चेंज करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। okay, उस पार्ट को जो खराब होगा, इवन okay, के मदरबोर्ड भी उसको भी हम चेंज कर देंगे। okay, और 4 साल के अंदर हम उसकी सर्विस करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, सबसे लो बजट में हमारे पास कौन सा है जो सबसे अच्छा भी हो घर के लिए बेहतरीन? सर, लो बजट के अंदर मैं इसको 3.2 को प्रेफर करूंगा। ये प्रेफर करेंगे? इसको प्रेफर करूंगा, ये 3.2 है। और इसके साथ हमें कितनी प्लेटें लगानी? सर, इसके साथ कम से कम 4 प्लेटें और इसकी फुल कैपेसिटी है 7 प्लेटों की होती है, क्योंकि ये 4000 PV है। आप ये पूरा पैकेज कितने बना के देंगे? सर, ये पूरा पैकेज आपका लमसम में 2 बैटरियों के साथ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 तक जाते हैं, 5 लाख तक। अच्छा, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हर चीज होती है, हर चीज होगी, सिस्टम ऑन करके देते हैं, जिस फ्लोर पे लगे वो फ्लोर ऑन करके देंगे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है फाद भाई। सलाम फाद भाई। फाद भाई खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से पंखे पड़े हुए हैं इस वक्त? सर, हमारे पास AC DC के अंदर पड़े हुए हैं, फैन और 30 वाट इन्वर्टर में पड़े हुए हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है काफी ज्यादा, इसके अलावा एक EPP टेक्नोलॉजी हमारी नई आ रही है, इंट्रोड्यूस होगी। EPP टेक्नोलॉजी वो कौन सी है? सर, वो बैटरी बिल्टन फैन होता है, उसके अंदर बैटरी बिल्टन है, अपना लिथियम बैटरी उसके अंदर बिल्टन है, और 3 घंटे उसकी टाइमिंग है। 3 घंटे वो चलेगा? चार्ज कितना देर करना पड़ता है उसको? उसको 2 घंटे चार्ज करने और 3 घंटे बैटरी टाइमिंग देता है। तो इस वक्त हमारे पास सैंपल वगैरह पड़ा है सर? जी बिल्कुल सर, सैंपल ये लगा कौन सा है? लगा हुआ दिखाएंगे फादर जी? बिल्कुल, ये वाला फैन है वो। ओके, तो इस वक्त चल नहीं रहा, आपने चार्ज किया हुआ इसको? सर, ये अभी स्टार्ट होगा। अच्छा, स्टार्ट है? हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करके दिखाइएगा जरा। देख लीजिए, इस फैन में बैटरी लगी हुई है और ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है। इसका आपने ECB टेक्नोलॉजी ECB EPV टेक्नोलॉजी EPV
ओके, ईपीपी से क्या मरा था बॉस? इलेक्ट्रिक पावर बैंक, इलेक्ट्रिक पावर बैंक, ओके। थोड़ा चला के दिखा दीजिए हमारे बस को। कीमत क्या रखी है आपने इसकी? सभी 16,000 रुपए की। 16,000, और वारंटी क्या है इसकी? वारंटी सी से बैटरी की 6 महीने वारंटी है, मोटर की जो है 1 साल वारंटी है, और सर्किट की 1 साल वारंटी है। अच्छा, ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा, सिर्फ चार्ज पे ही चलेगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगा और प्लेट पे भी डायरेक्ट चलेगा और बैटरी भी बैकअप देगा, चार्ज करेगा। नहीं, इसको चार्ज करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा या चार्ज होता रहेगा? चलते होता जाएगा, चार्ज ही होता रहेगा, चलता ही रहेगा। समय ले पंखा चले तो 3 घंटे बैकअप की वो बैटरी अपने अंदर सेव करने के बाद, यानी कि इसके अंदर ही यूपीएस फिट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये चार्ज भी खुद होगा, चलेगा भी खुद? हाँ जी, ये अभी फुल स्पीड पे चला। ओके, फुल स्पीड है ये? हाँ जी, ये करेंगे। ये हमारी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है या बार बार से आई हुई है? चाइना केबल्स एंड फैन वाला। वीरावाला कराची? ये लाहौर। अच्छा, लाहौर की है। ओके, आप ये जो गारंटी दे रहे हैं, फिर गारंटी में आपको रिप्लेस करेंगे या क्या करेंगे? तो सही सही करके देंगे? 6 मंथ की जो आप जब गारंटी दे रहे हैं, आप लोग रिप्लेस करते हैं या इसको सही करके देते हैं? रिप्लेस करेंगे पूरा इसको, मतलब कस्टमर को किसी की परेशानी नहीं होगी। बैटरी का मसला है तो बैटरी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सर्किट का मसला है तो सर्किट रिप्लेस हो जाएगा, मसला तो मोटर प्लेस करेंगे। पूरे पाकिस्तान को करेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान। जो भी आपके कस्टमर, जो भी हमारे कस्टमर हैं, सबके लिए एक ही। इस वक्त कराची में किसके पास है ये? हैदराबाद से आपको मिलेगा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना। कराची में ऐसा कोई नहीं है? कराची में भी है, लेकिन वो मतलब हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पर है आपको? कॉन्टेक्ट नंबर आपका? जी, कॉन्टेक्ट नंबर व्यूअर्स, कॉन्टेक्ट नंबर जो है देख लीजिए। वैसे 16,000 कीमत ज्यादा नहीं है इसकी? आम पंखा मिल रहा है 9,000 का, 8,000 का, एक अच्छा पंखा मिला है। इसके अंदर बैटरी भी है, सर्किट भी है और चीजें भी है। और सबसे बड़ी बात, नई टेक्नोलॉजी, यूपीएस एक लगवाते हैं तो वो 25,000-30,000 का यूपीएस ही बनता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे भी बनती हैं, सही है, सही लगती हैं। उसका खर्चा ज्यादा है, ये इसका खर्चा नहीं है, 6,000 रुपए यार। गरीब बंदे की पहुंच सबसे बड़ी बात ये बताएं, बिजली की बचत होगी कि नहीं होगी इसमें? बिजली की बचत होगी। कितने वाट है, कितने वाट का ये आपका जो है ना एसी डीसी पे जब चलेगा, यानी कि एसी पे चलेगा तो 42 वाट से 45 वाट देगा, ठीक है, 40 से 45 वाट से ज्यादा नहीं होगा, 27 वाट देगा। अच्छा, मतलब 30 से 40 वाट का है पूरा ये, इसका मतलब बचत होगी। और वाट आते हैं ना एसी पे, और वाट। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, और जो पंखे पड़े हैं आपके, और कौन कौन से रखे हुए हैं आपके? एसी डीसी पंखे भी हैं और इको स्मार्ट 30 वाट टेक्नोलॉजी जो है। इको वाला कौन सा है? जो ऊपर वाले जो है ये 30 वाट के हैं, ठीक है, ओके। उसकी कीमत क्या रखी है आप लोगों ने? वो तकरीबन 8,500 से लेकर 10,000, ओके। और ये दूसरी लाइन में जो 8,000 से लेकर 8,800 तक, ओके। ये भी वारंटी में है ना हमारे पास? सारे वारंटी 2 साल सर्किट की वारंटी है, 3 साल। और ये नीचे वाले? ये एक ही है, दोनों एसी की। अच्छा, ये दोनों, ओके, शुक्रिया भाई जान। मैं आपको दो यहाँ कारें दिखाने लगा हूँ, कार कहें इसको, छोटी बस कहें, जिस तरह मक्का मदीना में चलती है गाड़ियाँ, उस तरह की ये गाड़ियाँ। और ये जो है बैटरी ऑपरेटेड है, दोनों गाड़ियाँ जो है बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें काफ़ी जगह, ये बड़ी है ना, ये हमें बड़ी नज़र आ रही है किसी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। मैंने तो लोगों को बोला भाई, जिस तरह मक्का मदीना में नहीं देखते, उस तरह की हमें लग रही है। हाँ, मतलब किसी पैक भी किया है, बस हल्का सा दरवाज़ा है इसमें छोटा। ये छोटी है, 4 आदमियों के लिए, और ये मतलब किसी पार्क वार्क में, किसी बड़ी जगह पे, मस्जिद में, वहाँ के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है। और है पावर सेविंग, वहाँ पे मैं खाना मोटरसाइकिल खड़ी है, वो भी पावर सेविंग है, उस तरह चले तो साहब तो चले गए। अस्सलाम, ये क्या कीमत की है गाड़ी? हाँ, और ये वाली तो ये कितना टाइम चलती है बैटरी पर? 110 किलोमीटर चलेगी बस टोटल? एक चार्ज पे 110 किलोमीटर चलेगी, तो 110 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं हम, मतलब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर, 2 घंटे में आप 2 घंटे कंसिस्टेंट ला सकते हैं। फिर हम चार्ज इसको दोबारा कैसे करेंगे? ये नॉर्मल स्पीड के साथ। अच्छा, नॉर्मल स्पीड की बात हो, ये बस भी ऐसी ही है? ये वाली? हाँ जी, ये भी ऐसी है, सेम। ये 120 किलोमीटर इसकी बस की। हाँ हाँ, ये 11 सीटर है, एक ड्राइवर है, बड़ी है गाड़ी, बड़ी है ये, क्लोज्ड
जिस तरह मक्का मदीना में गाड़ियाँ जाती है बड़ी बड़ी उस तरह है ना, ड्राइविंग के लिए भी बेस्ट है जैसे अगर इसको यूटिलाइज किया जाए नॉर्दर्न एरियाज में या ऐसी जगह पे पार्क्स में। पार्क्स में ये मरी में चल रही है। अच्छा चल रही है। हाँ जी चल रही है, मरी यूबिया में चल रही है, उसके अलावा लाहौर में चल रही है, बादशाही मस्जिद में, मीनार पाकिस्तान, और उसके अलावा महंगा महंगा भी चलवा रहे हैं ये गाड़ियाँ। मतलब दो घंटे का इस पर टाइम दो घंटे चलती है एक चार्ज से अंदाजा, और कम है एक्चुअली ये 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो उसके हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो इसको ऑलमोस्ट 30 की स्पीड पर अगर चलाते हैं 3 से 4 घंटे चलेगी। शुक्रिया। अच्छा पर अभी आपको दिखा लूँगा बाइक्स, और आई थिंक ये इलेक्ट्रिक बाइक है, अभी मैं पूछ के भी आपको बताऊंगा कि इसकी स्पीड वगैरह क्या है। एक ये आ गई बाइक और ये बाइक आ गई है जी, ये भी मैं आपको पूछ के बताता हूँ इलेक्ट्रिक बाइक। यहाँ अगर भी इनका रिप्रेजेंटेड मिल जाए हमें, क्या लिखा है कार्ड पे वारंटी हमारा, लेकिन ये तो चाइनीज कंपनी है, ये 5 ईयर मोटर वारंटी बता रहे हैं, 18 मंथ वारंटी बता रहे हैं। इनका रिप्रेजेंटेटिव हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है भाई? इसकी बैटरी टाइमिंग नहीं, इसकी रेंज होती है। हां इसकी रेंज है पर चार्ज इसकी 100 किलोमीटर इसकी रेंज। 100 किलोमीटर रेंज है इसकी, इसको कितनी देर चार्ज करना पड़ता है इसको? ये 2 से 3 घंटे में चार्जर के मुताबिक। फिर कितनी देर चलेगी? देर नहीं होती इसमें, मैं आपको बता रहा हूं रेंज होती है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात, आपने सिक्योरिटी मीटर बताया 2 घंटे चलेगी फिर उस चार्जिंग पे अगर हम उसको चलाते रहे। हाँ, 1.5-2 घंटा आराम से चलेगी। ओके, और ये भी सेम ही ये वाली? नहीं इसमें फर्क, इसमें क्या फर्क है? इसमें इसकी बैटरी के वॉल्ट्स का फर्क है, हाँ हाँ मोटर के वॉल्ट्स का फर्क है, स्पीड का फर्क है। ये इससे बड़ी है या इससे बड़ी है छोटी है? इससे इससे बड़ी है छोटी है? ये इस वाली से बड़ी है। इस वाली से बड़ी है? ओके, ये बड़ी है। इसमें इसकी कीमत क्या रखी है आपने? इसकी कीमत अभी हमने प्राइस डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि जो है अभी हमारी कंपनी लॉन्च हुई है, ये फर्स्ट लुक हमारे एक्सपो में दिया कंपनी का ना। हमारी कंपनी इंशाल्लाह लॉन्च होगी 14 अगस्त। वैसे आइडिया क्या कीमत होगी इसकी अंदाजा? हमारी रेंजेस है बाइक की 165 से 425 तक। अच्छा, कम से कम 165। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तलब भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से तलब भाई? ठीक है, खुश हैं। ये सोलर हाइब्रिड एसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। असल में देखिए, ये आपको पता है हायर जो है नए इनोवेशन करती रहती है। ओके, तो ये एक नया हमने लॉन्च किया है जो सिर्फ सोलर एसी पे चलेगा। सिर्फ सोलर पे चलेगा? जी सिर्फ सोलर पे कन्वर्ट होगा। अभी जैसे दे बादल है बाहर, तो ये के इलेक्ट्रिक भी दिखा रहा है, ठीक है, सोलर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो जितनी इसको कंजम्पशन वहाँ से मिल रही है वहाँ से ले रहा है, बाकी के इलेक्ट्रिक से ले रहा है। बाहर सूरज होता तो कम्प्लीट सोलर पे चल रहा है। अच्छा, ये दिन भर के लिए फ्री होता है, रात के लिए आपको चाहिए तो आप के इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं, बैटरी भी लगा। नहीं, सोलर प्लेट वो भी आती है जो बगैर सूरज की रोशनी की चलती है। बगैर सोलर के जो गर्मी से जो हीट लेती है फिर वो जो करंट देती है, ऐसी प्लेट्स भी तो आती है? हाँ आती है। वो नहीं चलेगा? वो नहीं चल सकता, उसमें भी आप बाय कर सकते हैं बाहर से, लेकिन हमारे पास जो प्लेट है उसमें ऑप्शन नहीं है। ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है वहाँ से? अच्छा, कनेक्ट है। आप देख सकते हैं बाहर भी, आप दिखा सकते हैं जो कनेक्शन है डायरेक्ट आउटडोर से कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्ट इन है। अच्छा, बिल्ट इन है? ओके, आपने सिर्फ पैकेज बाय करना है, एसी लेना है सोलर लेना है, कंपनी की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन एसी की भी होगी। अच्छा, पैनल की भी इंस्टॉलेशन। वारंटी क्या दे रहे हैं इसकी? वारंटी 10 साल कंप्रेसर की है, और सोलर पैनल की भी 10 साल है। अच्छा, एवोपरेटर की 3 साल है, 4 साल पीसीबी किट की है, और इंस्टॉलेशन फ्री है। तो तला भाई, पूरे पैकेज की क्या कीमत रखी है? 4,20,000। 4,20,000 इसमें एसी भी शामिल है, सोलर पैनल भी, 4 प्लेटें शामिल है। एक पैनल जो है 550 वाट का, और जो तकरीबन 4 पैनल मिलाएंगे तो 2,200 वाट बनेगा। और इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता दी है। इस पैनल के साथ हम किसी और चीज़ को अटैच कर सकते हैं एसी के अलावा? नहीं, सिर्फ इसके लिए होगा। इसके लिए 4,25,000 का? 4,20,000। 4,20,000 का। और कितना टन का एसी? डेढ़ टन का एसी, बड़ी जगह को कवर कर लेगा, बड़े रूम को कवर कर लेगा। मतलब हम बिजली के बिल को भूल जाए इसको लगाने के बाद? जी 100% दिन भर, दिन भर, रात में। अच्छा, अभी देखें जैसे अभी बादल है तो एक इलेक्ट्रिक पे भी चल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन पूरी नहीं हो रही वहाँ से, तो इसलिए वो वहाँ से तो बिल बनेगा। हाँ, जैसे इंटीरियर के इलाकों में तो वहाँ पे ज्यादा से जमा है, बिजली का बिल कमाएगा। जब तक सूरज है तब तक फ्री है। इसको हम कहेंगे सोलर हाइब्रिड एसी जी, सोलर, और बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। हाँ कह सकते हैं, लास्ट ईयर लॉन्च किया था।
तो अभी वही आपको क्या लगता है कुछ टाइम में इसकी कीमतें कम हो जाएंगी 4,25,000 क्योंकि हर अभी तो नहीं है क्योंकि अभी तो हर चीज के रेट बढ़ ही रहे हैं। मार्केट में देखें एक टन के रेट भी 1.5 लाख पे चले गए लेकिन लोग आजकल ले नहीं रहे ना ज्यादातर इसी पे जा रहे हैं ऐसे ही ना ऐसे ही। शुक्रिया आपका। हम आप आ गए हैं फैजान भाई के पास और ये है फ्लक्स एनर्जी राइट सर है ना। ये हमारी कराची बेस्ड कंपनी कौन सी बेस है सर? ये प्राइमरीली कराची बेस्ड कंपनी ठीक है। हमारा भी यूनिवर्सिटी रोड में हमारा ऑफिस है ओके। आप लोग सोलर प्लेट्स में काम कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? हम ऐसे नीपीसी कंपनी काम कर रहे हैं ठीक है। बुनियादी तौर पे इसको हम कहते हैं कि हम सोलर सिस्टम प्रोवाइडर हैं जो कि इंस्टॉल करके देते हैं। अच्छा जैसे सिलेक्शन ऑफ पैनल सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर सिलेक्शन ऑफ द बैटरीज जो बेस्ट पॉसिबल जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही राइट नाउ मार्केट वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फैजान भाई लोग तो सस्ता मांगते हैं सस्ता बताओ मुझे क्या सर प्रॉब्लम ये है कि सस्ता में ना ये इलेक्ट्रॉनिक सस्ता भी और अच्छा भी जैसे बिल ही नहीं है लोग बोले बिल आना नहीं चाहिए इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे ना पैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते थोड़ा सा हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है लोगों की जिंदगी की इस वक्त इस टाइम पे ठीक है। और आगे आने वाले दिनों में जो हमारे हालात हैं इस टाइम को तो होता ये है कि सस्ती चीज लगा लेते हैं और फिर सस्ती चीज इस एनवायरनमेंट के हिसाब से कंपैटिबल नहीं होती और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है फिर बार बार परेशानी शुरू हो जाती है। अच्छा हमारे पास सबसे जो कम वाला पैकेज हो कितने का है पैकेज जो आप 3 किलोवाट का जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं 3 किलोवाट में भी प्रीमियम कैटेगरीज की चीजें जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो तकरीबन 6-6.5 लाख के करीब आप डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम के आपका बात करें 3 किलोवाट आप लोग इंस्टॉलेशन भी करेंगे सारी चीजें करके देंगे हम आपका सर्वे डिजाइन इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के बाद जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है क्योंकि आप एज एन एंड कंज्यूमर आपको टेक्निकली नहीं पता चीज़ ठीक है तो हम वो सारी चीजें आपको सर्विस अपना नंबर देना चाहेंगे सर, शुर सर, तीन किलो वॉट में अगर आप देखें तो घर एक नॉर्मल जो घर होता है 80 या 120 गज का घर जो होता है उन घरों में की सारी इलेक्ट्रिकल लाइट्स फैंस आप इस पे डी फ्रीजर चला लें और उसके बाद फिर आप एक अगर एक लोड मैनेज कर लें तो एक एसी 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी आप 4 से 5 पंखे चल जाएंगे आप 10-12 पंखे चलाएं चल जाएंगे अच्छा एसी भी चलेगा थोड़ा सा लोड मैनेज कर पानी जैसा ठीक है तो जैसे पंखे कम कर लिए तो उसके बाद एसी चला लिया पानी की मोटर चलानी हो तो उसके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल लोड की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो लोड वेरी होता रहता है विद द टाइम अगर आप एसी भी चलाते हैं तो वो कांस्टेंट लोड पे या कांस्टेंट पावर पे नहीं चल रहा होता वो वेरिएशन होती रहती है तो आप उस सिनेरियो के हिसाब से 3 किलोवाट पे एक एसी 10-12 लाइटें 5-6 फैंस एक डीप फ्रीजर फ्रिज ये पूरा कॉम्बिनेशन ना चल सकता है कुछ चीजें कम कर लेंगी तो पानी की मोटर भी चल जाएगी सही है उसको मैनेज करना पड़ेगा मैनेज मतलब कोई चीज बंद करेंगे तब कोई दूसरी चीज चला सके ये आप लफ्जों में ये कह बिल्कुल बिल्कुल डिप्लॉयमेंट के बाद आपको ये पता चलता है कि सिस्टम आपका कैसा आपको क्या कह रहा है हर इंसान समझ जाता है कि सिस्टम कैसा है। व्यूअर्स कार्डिन का फैजान भाई का नंबर आपको स्क्रीन में शो होगा अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान भाई थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स इस एग्जीबिशन में सोचकर आया था कि यहाँ से सस्ता सा अच्छा सा पैकेज ढूंढ के आपको बताऊंगा क्योंकि सस्ता और अच्छा मिल तो जाएगा यहाँ पर लेकिन इशू ये है कि ये लोग बोलते हैं सस्ता अच्छा ले लो फिर बाद में परेशान होते रहते उससे बेहतर है कि आदमी एक दफ़ा पैसे लगाए और परेशानी से जान छोड़ाए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ेगी सब के सब जो है वारंटीज में और आप इजीली यहाँ जो हम नंबर दे रहे हैं आप वहाँ कॉन्टेक्ट करके अपनी इंक्वायरियाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सोलो का जो है स्टॉल यहाँ लगा हुआ है और काफ़ी रश यहाँ पर है अगर यहाँ कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव हमें मिलता है तो हम उससे बात करके जो है आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सर ये मैं रिकमेंड करूँगा 6 kVA इसकी 6 kW इसकी प्राइस तकरीबन 150 हो जाएगी 160-170 के बीच में आ जाएगी क्योंकि अभी ड्यूटी बढ़ी हुई है। सर ये देखें हम सोगो अपने प्रोडक्ट जो बनवा रहे हैं ना वी आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस टू मेक श्योर कि क्वालिटी बेहतर है जी। सर इसकी मैं मार्केट की प्राइस आपको एस्टिमेट बता सकता हूँ इट्स अराउंड लाइक व्हाट डू कॉल इट 125 समथिंग लाइक दिस जी। एक्सक्यूज मी बैटरी की जरूरत नहीं है सर नाइट बैटरी वो तो आपको बैटरी चाहिए होगी जी आपको बैटरी लगाने की जरूरत है ये 24 वोल्ट होता है ये 48 वोल्ट होता है सर 5 ईयर वारंटी सॉरी सर आपको इतना नहीं कर पाया थैंक यू सो मच। सर विजिटिंग कार्ड यहाँ पे पड़े हुए सर तकरीबन 125-135 एक मिनट देंगे सर बादल साहब फोन कर रहे हैं इस्लाम डैड डैड थोड़ी देर में कॉल करता हूँ
हमें आप इनसे रابطہ करेंगे, दे विल गाइड यू, डोंट वरी, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर ये कंपनी का नंबर है, सोगो सोलर सॉल्यूशन। सर कोई बात नहीं, ये हम सब भाई हैं, बेसिकली वेयर कजन्स। सर डिस्प्ले एक मिनट सर, सर लाहौर में सर हमारे पास डिस्प्ले सेंटर्स कराची में भी है, सदर में है, नवाबशाह में भी है, हैदराबाद में भी है, लारकाना में है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। जी सर सॉरी सर, तकरीबन 6.2 के रेट होंगे 140-150। सर ये ड्यूल आउटपुट वाला ये तकरीबन होगा मेरे ख्याल से 125 समथिंग लाइक दिस और दैट 125-130। सर देखिए हमारा जो सिस्टम होता है ना, वी वर्क विद आवर डीलर्स, हमारा सोगो का थोड़ा है कि वी हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। व्हाई? बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि यार हम एक ही कुछ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर से काम करें, वो डीलर्स से डील करें, और उसमें वो लोग डीलर्स ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ट्रबल शूट होते हैं ना, कोई इशू आएगा, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं वो स्पेसिफिक डीलर्स। उसके बाद अगर उनसे कुछ हैंडल नहीं होगा, दे विल कॉन्टैक्ट देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो होता है कि कस्टमर की आसानी होती है, और फिर जो सर्वे जो डिस्ट्रीब्यूटर से डील नहीं होगा, विद इन वन डे इट विल रीच आवर नॉलेज, और फिर वो हम हैंडल करेंगे। सो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन दैट। बस उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। 3 दिन का जो है ये पूरा एक्सपो है, आप यहाँ के इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, यहाँ के सारी इंक्वायरी डिटेल ले सकते हैं। 3 दिन तक जो है आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।